दावादार क्या हो? गेंडे का सिंगला, समझा? डबल दाम मिलेगा, डबल। अजगर, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनकी हत्या किसने की है। और ये छोकरे, इन्हें जंगल में जाकर जेम्स बॉन्ड बनने के लिए किसने कहा था? बल्कि दो दो निशाने लगेंगे, एक मिस्टर राठौर का और एक आरिफ का। आंटी, जेबा, जेबा, आंटी, आंटी, जेबा, कोई है? क्या हुआ? या अल्लाह, पता नहीं कहाँ चले गए लोग। हमें जंगल जाना होगा। चलो चल। अब समझा, सिटी पुलिस और टाउन पुलिस ने मेरे खिलाफ क्या गेम प्लान किया है। जब शेर का शिकार करना होता है तो उसके खाने के लिए बकरी बांधी जाती है। बकरी म्याओ, म्याओ। ये सब बकरियां हैं मेरा शिकार करने के लिए। किसका शिकार? किसका शिकार? मेरा, मेरा शिकार जो जेल की ऊंची दीवारों को फाड़ कर आसानी से जंगल में चलाता है। मेरा शिकार, मेरा शिकार। या मेरे मौला, मेरी मुश्किल आसान कर, मेरे बच्चों को मिला दे मुझसे। या मेरे मौला, कहाँ चले गए ये सब? कहाँ गए? हे मौला, इधर आ रहे। अरे अकेला है? दूसरा कहाँ है तेरा? आ गए राठौर साहब, ये तो अपना वसूल है। ये अपने दुश्मन को भी हम छोटा नहीं समझते। लेकिन इसका साइज तो बड़ा दिखता है रे, चेहरा तो दिखा। ये देखो सरकार। मम्मी, माँ, मेरे बच्चों। कमाल किया रे तू।
कैसी आवाज है ये? शायद अल्लाह की मदद है। यहां तो कोई नहीं है। नहीं मिस्टर आरिफ, मुझे बहुत बड़े खतरे की बू आ रही है, और वो राठौर है ना, बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऊपर से ये जंगल इतना घना और गहरा है, इसकी गहराई में बड़े से बड़ा जुर्म छुप सकता है। मिस्टर राठौर, इस घने जंगल में तलाश करना समझ में नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर पहले वो अननेचुरल आवाज आई थी, वो किसकी थी? आप ठीक कह रहे हैं, वो अननेचुरल आवाज जैसे किसी पैलेस से। माय गॉड, क्या हुआ? उन बच्चों में एक बच्चा स्पेस से आया हुआ है। वो छोटा सा गोरा चिट्टा क्यूरी आंखों वाला बच्चा? हाँ हाँ, वही बच्चा। उसकी मैंने कई करिश्माई ताकतें देख चुका हूं मैं। लेकिन वो मामा क्यों चिल्लाया? शायद आंटी किसी मुसीबत में फंस गई। वो बच्चा आंटी से इमोशनली अटैच हो गया। चलो चले। माँ, माँ मुझे अपनी गोद में रख लो। माँ, माँ मुझे अपनी गोद में रख लो। पहले बोलता था बेटा, अब नहीं। बड़ी खूबसूरती से तुम लोग मेरे जाल में फंस ही गए। अब जब फंस ही गए हो तो एक राज की बात सुनो। मुझे तो सिर्फ ये बुढ़िया और ये बच्चा चाहिए। माँ और बेटा, बस बस। सुनो, तुम हमें रोक लो लेकिन इन बच्चों को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तुम जो कहोगे मैं कर दूंगी। क्या कहूंगा मैं? क्या कहूंगा मैं? एक कागज आया है मेरे पास। नारे बस, इस पे आपके हस्ताक्षर चाहिए। कर दो, सबको छोड़ दूंगा। हाँ नहीं अम्मी, साइन मत करना। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। अबे कुत्ते की औलाद, जो करना है मेरे साथ कर, छोड़ दे इन लोगों को। ड्राइवर की औलाद, तुझे रख के भी क्या करूंगा रे? क्या करूंगा रख के तुझे? मुझे किसी को नहीं रखना, किसी को नहीं। मुझे तो सिर्फ ये
बुढ़िया चाहिए और ये बेटा। आपके बेटे ने जेल से खबर भिजवाया है, सुना है एक अलीशान कोठी है आपके पास। ये उसी के कागजात हैं, इस पे साइन कर दीजिए। साइन करने के 50 लाख रुपया मुझे देगा, 50 लाख कम नहीं होता मां। लीजिए हाथ खोल इसका, ये लीजिए। महेंद्र है? नहीं अम्मी, साइन मत करना, मत करना अम्मी। अपने बच्चों के लिए ये कोठी क्या? मैं तो ऐसी 50 कोठियां कुर्बान कर सकती हूँ। माँ, इसे कहते हैं माँ। कौन है? किसने पत्थर फेंका? अरे जा पकड़ो उसको। कौन है? अरे वाह, तुम तो इन सब बच्चों का नन्हा मसीहा बन गया रे। अभी दिखाता हूं मैं तुझे। जान इस बुढ़िया में है और इस बच्चे में। खड़ा कर रहे इसको। इस जाड़िये चिरकुट कुत्ते, अपू का भाई पाव से मजबूर है। तो इसके पाव ही काट देते हैं। खड़ा हो सकता है मासूम, वो नहीं खड़ा हो पाएगा। वो खड़ा होगा अपने पैर पर, वो खड़ा होगा। खड़ा हो सकता है, खड़ा हो सकता है। बाबू उठ, खड़ा हो। या अल्लाह, मेरा बेटा तो खड़ा हो गया। ये सब इस मासूम का कमाल है अम्मी। हाँ मेरे बच्चे। नाम मासूम। वाकई में वाकई तू तो नन्हा मसीहा है रे। अब इसे ही इस दुनिया से विदा कर देते, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जंगली जानवरों को खिला देते, फिर पुलिस इसे ढूंढती रह जाएगी जंगल। नहीं,
खबरदार अगर मासूम को हाथ लगाए। बहुत तड़प है उसके लिए। सिर्फ राठौर नाम रख लेने से कोई राठौर नहीं हो जाता, समझे? तो फिर आ गए मुझे गिरफ्तार करने। हाँ राठौर, लेकिन इस बार तुझे जेल से फरार होने का मौका नहीं मिलेगा। तुझ जैसे दरिंदे हराम खोर देश के मासूम जानवरों की हत्या करते हैं, कीमती जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं, चंदन की लकड़ी, शेर की खाल और गेंदों की सिंहों के फेरा फेरी करते हैं। जितू करता है कि मैं तेरी कब्र ही बना दूं। बोल, तूने क्यों मारा रेंजर को? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे। सर, काफी खतरनाक और लंबी साजिश रची है आंटी के बेटे। आंटी, मैंने आपसे कहा था ना, ये सब कुछ प्रॉपर्टी का चक्कर है। लेकिन ज़ेबा वो जेल में रहकर साजिश कैसे रच सकता है? हाँ सर, जेल में तो है, मगर वहीं से बैठकर वो मियाँ बीवी उस बंगले को टावर बनाने की सोच, और वहीं से बैठकर उन सब ने वहीं से सब कुछ ऑपरेट किया है। यहाँ तक कि उनकी नजर तो फार्म हाउस पर भी है। ज़ेबा राइट, ज़ेबा, मैं कहता था ना ज़ेबा, कोई ना कोई गड़बड़ है। ले जाओ उन सबको। बाबू, ये तो अपने पांव पर खड़ा है, जरूर कोई कुदरती करिश्मा है। ये सब अपने मासूम ने किया है, वो सही में नन्ना मसीहा है। नन्हे मसीहे को तो मैं बताऊंगा। कहां जाते हो? बाउल किसको क्या करेगा ये तो बाद में पता चलेगा। बोल, अगर राठौर ने रेंजर को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मैंने नहीं मारा। किसी एक का तो काम नहीं है। सर, एक काम करती हूँ, इन दोनों को ही मैं मार देती हूँ। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। बोल, वरना ये दोबारा नहीं पूछेगा। झांसी की रानी के बाद इसका ही नाम आता है। ज़ेबा, मार दो दोनों को, देश और समाज के दुश्मनों के छोटे छोटे टुकड़े करके इनको तो बता दो। हाँ सर, छोटे छोटे टुकड़े के नाम से ये लोग जरूर बताएंगे। बोल, फॉरेस्ट रेंजर को किसने मारा? बोल। माफ कर दे। इतना बहादुर ऑफिसर इस तरह से मार दिया गया, बड़े शर्म की बात है। तुम दोनों ही हो ना जिसने बाबू को किडनैप किया था? हाँ, क्यों रे? बोल हाँ कि ना। ले चलो इन सबको, चलो। माफ कर दो, ले जा इनको, ले जा। राठौर, अब चल तुझे मैं दिखाता हूँ असली राठौर का। आज अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरे बच्चों का क्या होता? बचाने वाला तो अल्लाह है आंटी। अरे फिर अपुन का मासूम तो एकदम कमाल है, लेकिन वो गया कहाँ? ये मेरा मासूम कहाँ चला गया? नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो, वो अल्लाह का फरिश्ता है, और कहते हैं जब कोई मुश्किल में होता है तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए अल्लाह अपना फरिश्ता भेजता है। क्यों अम्मी, नन्हा मसीहा बनकर? हाँ बेटा। अयो जी, अगर दोबारा हम पे कोई मुसीबत आया तो वो दोबारा आ जाएगा, क्यों अम्मा? अबे क्यों मुसीबत को दावत दे रहे हैं बे? माँ, 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 माँ।
बच्चों ये है हमारा नन्हा मसीहा। कोई